हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 19 एरिया। ठीक है, देखो एरिया क्या होता है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ भी कोई भी चीज है। ठीक है, इसके समझो ये रूम है। ठीक है, मुझे यहाँ पर टाइलिंग करानी है, टाइल्स लगी होती है रूम में। ठीक है, तो जो ये पूरा टाइल्स जो कवर करेगी स्पेस उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एरिया, जितना भी अंदर था ये पूरा अंदर का पूरा लगा लो ये सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज एरिया। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर होता है जो आउटर बाउंड्री होती है ना, उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, लोग प्लॉट खरीदते हैं उसके आगे पीछे एक बाउंड्री बना देते हैं ना, तो लोग पूछते हैं कि जो है भाई इसमें कितना ये एरिया नहीं होगा, क्या होगा ये पेरीमीटर की इस बाउंड्री का, इस जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर क्या है। क्लियर है, दोनों में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, पेरीमीटर होता है बाहर वाला बाउंड्री और एरिया होता है पूरा अंदर का स्पेस। दोनों में डिफरेंस समझ लो तुम लोग। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग बेस। यहाँ पे जो बेस है दैट इज 7 सेंटीमीटर और जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज 2 सेंटीमीटर। हमें एक एरिया है, एक ट्राइंगल है, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखो ये रहा हमारा ट्राइंगल। ठीक, बेस क्या होता है? ये तुम्हारी बेस है जिसके ऊपर ट्राइंगल खड़ा होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले वर्टेक्स से इस बेस पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये इसकी हाइट हो जाती है। ठीक, हाइट बोलो या ऑल्टीट्यूड बोलो। इसका एरिया क्या होता है? तो देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर, या फिर ऑल्टीट्यूड बोल देते तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा। चलो दिस इज हाफ, बेस क्या है 7, ऑल्टीट्यूड क्या है 2। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 7। देखो ये भी सेंटीमीटर्स है, ये भी सेंटीमीटर्स है ना, दोनों यूनिट सेंटीमीटर्स है, तो योर आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर हमेशा जैसे सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर्स में रहेगा पेरीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर एरिया निकालोगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,